गरुड़ पुराण के आचार कांड में रंभा तृतीया व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं सौभाग्य लक्ष्मी तथा पुत्र आदि से संपन्न करने वाले रंभा तृतीय व्रत को कहूंगा। यह व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस तिथि का उपवास रखकर व्रती कुशोदक हाथ में लेकर बिल पत्र से महागौरी की पूजा करे। इस पूजन में कदम वृक्ष की दातुन का प्रयोग करना चाहिए, किंतु पौष मास में मरुबक के पुष्कों से पार्थी के पूजन का विधान है। व्रती इस मास के व्रत में मात्र कपूर का सेवन करके उपवास करता हुआ उन गौरी को तिल चावल का सिद्धान का नैवेद्य एवं मलिकाओं की दातुन अर्पित करे। माघ मास में व्रत के दिन घृत पान करके उपवास करते हुए व्रती को श्वेत कमल से सुभद्रा देवी की पूजा करके उन्हें मंडका नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। मंडका अन्न धधि आदि का सार होता है। फागुन मास में गोमती की पूजा का विधान है। कंद कुंड पुष्प से उनकी पूजा करके उसी की नाल को दातुन में उन्हें निवेदित करें और स्वयं जीवा अर्थात शर्करा के समान मधुर पुष्प वाली लता जिसको जीवंती कहते हैं उसका भक्षण करके शशकुली अर्थात तिल तंडुल उड़द के चून से बना युवागु भी शशकुली का अर्थ है। तो शशकुली का नैवेद्य लगावें। चैत्र मास में भगवती विशालाक्षी को दमनक पुष्प तगर पुष्प वृक्ष सित पुष्प मदन वृक्ष इसकी काष्ट की दातुन और कृष्ण का नैवेद्य अर्पित करके स्वयं दही का प्राशन कर वैशाख मास में श्री मुख देवी की पूजा कर्णिकार के पुष्प वट वृक्ष की दातुन से करनी चाहिए और व्रती को अशोक कनिका का प्राशन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में नारायणी देवनी का पूजन शतपर्णी के पुष्प एवं दातुन से होता है। इस पूजन में देवी को खांड का नैवेद्य प्रदान करके स्वयं उपासक लौंग का भक्षण करें। आषाढ़ मास में माधवी की पूजा करनी चाहिए। इस मास में व्रती तिल का प्राशन करें और भगवती माधवी की बिल पत्र से पूजा करके खीर और वटक अर्थात घृत पक व मधुर पिष्टक उसका नैवेद्य अर्पित करें। इस पूजन में देवी के लिए गूलर के दातन प्रदान करने चाहिए। श्रावण मास में शीर अन्न तथा मलका की दातन देकर तगर के फूल से श्री देवी की पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद मास में सिंघाड़े का आहार करके व्रती को उत्तमा देवी के लिए गुड़ का नैवेद्य अर्पित करके पद्म पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। अश्विनी मास में राजपुत्री का पूजन जपा पुष्प से करके उन्हें जीरे से सुवासित अन्न का नैवेद्य अर्पित करके रात्रि में प्राशन करना चाहिए। कार्तिक मास में पद्मजा देवी का जाति नामक पुष्प एवं कृसर अन्न के नैवेद्य से पूजन होता है और उपासक को पंचगव्य का प्राशन करना चाहिए। इस प्रकार मार्गशीर्ष से कार्तिक मास तक वर्ष की समाप्ति पर सपत्नीक ब्राह्मणों को घृतोदन अर्थात घृत में पका हुआ तंडुल देकर उनका पूजन करना चाहिए। इसके बाद पार्थी और शिव की गुड़ आदि से बने नैवेद्य वस्त्र छत्र और स्वर्ण आदि से पूजा करके गीत वाद्य आदि से रात्रि जागरण करते हुए प्रातः गौ आदि का दान देना चाहिए। ऐसा करने से व्रती को सब कुछ प्राप्त हो जाता है।